नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन की कुछ दिनों पहले माताजी का देहांत हो गया था। विधायक की माता के देहांत के बाद विधायक के निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा के नेता भी विधायक की माता के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंच गए। सुबह के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व सुबोध उनियाल के बाद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री भी विधायक के घर पर शोक प्रकट कर चुके हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मंगलोर पहुंचे। बंद कमरे में घंटा बातचीत के बाद सचिन पायलट और काजी निजामुद्दीन बाहर निकले। मीडिया रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा, मैं अपने दोस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन की माताजी के देहांत के बाद उनका दुख बांटने उनके घर पर आया हूं। सचिन पायलट ने राजस्थान के सियासी उलटफेर के सवाल पर उत्तराखंड सरकार पर अपना निशाना साधा है। वह बोले कि उत्तराखंड में चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। उत्तराखंड में भारी प्रचंड के साथ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं सचिन पायलट राजस्थान में गहलोत सरकार में चल रही सियासत पर जवाब देने से भी बचते नजर आए। सचिन पायलट कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी गर्मी तेज हो चुकी है। आज से कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और AICC में संगठन में ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन साहब की माताजी का अंतकाल हुआ था। तो आज मैं इनसे दुख बांटने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए आज मंगलोर में आया हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी रूह और अपने चरणों में जगह देंगे, समान दिवंगत आत्मा को शांति देगा। और काजी साहब जब राजस्थान के से प्रभारी थे तब लंबे समय तक हम लोगों ने मिलकर काम किया राजस्थान के अंदर भी, और हम लोग जो वहाँ सत्ता बनाने में कामयाब हुए उसमें काफ़ी कुछ योगदान संगठन की तरफ से, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो काजी साहब से प्रभारी थे, हमने मिलकर वहाँ पर बहुत काम किया था। तुम्हारा पुराना संबंध है, इनके वालिद से भी था, और आज इनका जो घर में दुख हुआ है। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो आगे आप क्या डिसीजन ले? देवभूमि उत्तराखंड में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तराखंड की रूलिंग पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलने से उनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। जो पिछले 4.5-4.5 साल में हालात पैदा हुए हैं और आने वाले चुनावों में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए यहाँ का प्रत्येक मतदाता भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार निर्माण करेगा। उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा के कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उत्तराखंड में कांग्रेस एकजुट है, सबने मिलकर काम किया है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़कर उत्तराखंड में सरकार हम लोग चुनाव की क्या रूपरेखा है?